भक्ति में भगवान शिव को अपने दो आंखें दान कर ली थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक, मेरे चैनल में स्वागत है। हम इधर आए हैं भक्त कन्नप्पा के टेंपल में, एक कालहस्ती में है। कालहस्ती जो फेमस है, एक तो मकड़ी, हाथी और सांप का रीजन है, तीनों ने अपना आत्म विसर्जन किया था। और दूसरा जो है भक्त कन्नप्पा, अब आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये भक्त कन्नप्पा का टेंपल है। लोगों का ही मानना है अर्जुन के द्वारा पहले ये जो मंदिर है वो स्थापन किया गया था। देखिए ऊपर शिव है, शिव पार्वती ऊपर। भक्त कन्नप्पा जो थे वो एक जंगली आदमी थे, वो तीर का निशानबाजी करते थे, वो नास्तिक थे। लेकिन उनका जो बीवी थे वो भगवान के बड़े भक्त थे, शिव के। लेकिन कन्नप्पा वो कभी भगवान को पूछते नहीं थे, वो डेल जंगल में आते थे, शिकार करते थे, वो उनका मांस लेके खाते थे। एक दिन जब जंगल में आए थे तब तो उनको एक टाइगर ने अटैक किया। वो जान बचाने के लिए एक बिल्लो के पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन जो टाइगर था वो नीचे ऐसे बैठा रहा उसको खाने के लिए। वो ऐसे करते करते रात हो गया, वो सारे रात ऐसे बिल्लो की ट्री के ऊपर बैठते रहे और वो जो टाइगर था वो नीचे इंतजार किया, कब नीचे आएगा उसको हम खाएंगे। वो उसको नींद आ रहा था, इसलिए वो बिल्लो का एक एक पत्ते नीचे गिरा रहा था, बिजी रहे उसको नींद ना आए। वो ऐसे पत्ते गिरा गिरा के 1,00,000 पत्ते नीचे गिरा दिया था, लेकिन नीचे जो था शिवलिंग था। उस दिन शिवरात्रि था, वो सोया नहीं था। 1,00,000 बिल्लो पत्ते नीचे गिरा देता शिव के लिंग के ऊपर, इसलिए भगवान शिव ने खुश होके, प्रसन्न होके उनको दर्शन दिए थे और टाइगर से उनको बचा लिया था। उसी दिन से कन्नप्पा ने भगवान शंकर की बड़े भक्त बन गए थे। वो डेली जंगल से, ये देख सकते हैं जो रिवर है, मैं दिखा देती हूँ। जो रिवर दिख रहा है ये सोन नदी है, ये सोन नदी से वो जल लाके भगवान शिव को नहाते थे। जंगल के फूल से, जंगल के फ्रूट से भगवान को पूजा करते थे, लेकिन उनको कुछ मालूम नहीं था भगवान को पूजा कैसे करते हैं। वो भगवान को ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए जो डेली वो हिरण वगैरह मार के लाता था वो कच्चा वाला मांस भगवान को पूजा के लिए चढ़ा देता था। एक दिन वो नोटिस किया भगवान की एक आँख से रक्त बह रहा है। वो भगवान से पूछा, भगवान आपको क्या हो गया, आपकी आँख में दर्द हो रहा है क्या, आपकी आँखें खराब हो गई क्या। ऐसा सोच के वो अपनी तीर निकाल के एक आँख निकाल दिया और निकाल के भगवान की शिव के आँख में लगा दिया। कुछ देर बाद वो देखा दूसरे आँख से रक्त बह रहा है। वो बोला, आपका ये आँख भी खराब हो गया क्या, तो फिर हम अपना दूसरे आँख आपके दान करते हैं। लेकिन वो सोचा, दूसरा आँख जब नहीं होगा तो हम कैसे देखेंगे, कैसे आपकी आँखों में अपना आँख लगाएंगे। इसके लिए वो निशान लगाने के लिए अपनी पैर की उंगली पर निशान लगाया, देख सकते हैं, निशान रख के दूसरा आँखें निकाल के भगवान शिव की आँख में लगा दिया। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होके उनको अपने साथ स्वर्ग में लेके गए। और उसी दिन से ये जो श्री कालहस्ती का मंदिर है वो भक्त कन्नप्पा के नाम से फेमस हो गया। पहले उनका नाम नील था, कन्न मतलब आंखें होता है, जब वो कन्न दान किया उसके बाद उसके नाम कन्नप्पा हो गया। Thank you.
हम सच्ची घटना के ऊपर वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।